वहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश के अंदर 5% की छूट दी जाए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा और महारानी कॉलेज के अंदर और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में दी जाती है। दूसरी हमारी मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र से जो छात्राएं प्रवेश लेने के लिए आती है उनको सरकार 5% का अतिरिक्त कोटा देकर उनको प्रवेश में एक सहायता प्रदान करे। संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद यहाँ पर छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इन मांगों को लेकर विगत 3 माह से हम लगातार आंदोलन रहते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इस अधर्मिता के साथ जो आ रहा है बड़ी उम्मीद के साथ उसको शिक्षा के अधिकार से किस प्रकार से वंचित रखा जा सके। इस आंदोलन को अब तक हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा है, लेकिन सरकार पर इसका अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है। आगामी 5 दिनों के अंदर हम सरकार से सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। राम निवास कुटना हम अपने स्तर पर लड़ाई तो आर पार की लड़ने के लिए अब तक हमने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा है, लेकिन विद्यार्थियों के अंदर सरकार जिस अधर्मिता के साथ बैठी है उसके चलते आक्रोश बढ़ रहा है। आक्रोश को देखते हुए सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है।